अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 8। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटे क्या है कि हम जो एनिमल बॉडी है या प्लांट बॉडी है, वट एवर अ लिविंग थिंग, वो ओरिजिनेट कैसे होती है। मींस हमने स्मॉलेस्ट टू हायर लेवल तक जाना है कि कैसे एक बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज हुई है। ठीक है बेटे, हम तो एक क्लियर ह्यूमन बीइंग को देखते हैं ना, लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब में बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होती है वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो लाइफ स्टार्ट जो है वो जस्ट सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद जो उसमें डेवलपमेंट के डिफरेंट लेवल्स आते हैं उनको अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है बेटे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ, बायोलॉजिस्ट स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट बेटे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है बेटे, जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट आता है ना वो सेल है, और सेल में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है, उसके जितने भी आपके पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है, सेल कैसे बनता है वो मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनेंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स में क्या बनता है वो आपका बेसिकली एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ठीक है, और केमिस्ट्री में भी आप इसकी डिटेल स्टडी करोगे, डैट व्हाट इज एटम। और बेटे एटम जो है वो फर्दर स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, डैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, डैट आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है बेटे, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जितना भी जो मैटर है, ठीक है, वो क्या है, एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, एंड ईच एलिमेंट कंटेन्स अ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, एंड डैट एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो जितने भी एटम्स हैं वो बेटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। मोस्ट स्टेबल जो बेटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ना आपके, वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो बेटे द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब बेटे टोटल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स कितनी हैं, 92। ठीक है, जो नेचुरली प्रेजेंट हैं काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स वो कितनी हैं, 92 हैं, और उसमें से जो 16 हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कह सकते हैं। What are bio elements? Bio elements are those that are present in living bodies. Clear है बेटे? Bio elements are those that are present in living organisms. तो बेटे total kind of elements 92 हैं nature में, और उसमें से जो 16 हैं वो बेटे आपके bio elements हैं। आपने बेटे lecture को बहुत ही आपने कीनली इसको सुनना है, उससे क्या होगा बेटे आपके जो असाइनमेंट के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसका आपको आंसर भी मिलता जाएगा, आप उसको भी मार्क कर लोगे, आपको एमसीक्यूज का भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स में से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनकी बॉडी मास बनाने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब जो वो क्या कह रहे हैं कि जो टोटल 16 एलिमेंट्स हैं ना उसमें से जो 6 एलिमेंट्स हैं वो
टोटल 99% मैस जो है वो बनाते हैं, और जो बाकी 1% है ना वो रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट होता है। क्लियर है बेटे? टोटल 16 बायो एलिमेंट्स हैं, आउट ऑफ विच ओनली 6 मेक 99% ऑफ द टोटल मैस एंड अदर 10 कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द टोटल मैस। ठीक है बेटे, अब मैं आपको उन 6 एलिमेंट्स के नेम्स भी बताती हूँ जो 99% मैस बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं बेटे? ऑक्सीजन, ओ से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन का बेटे सिंबल है सी, हाइड्रोजन का सिंबल है बेटे एच, नाइट्रोजन का सिंबल है एन, कैल्शियम का सिंबल है सी ए एंड फास्फोरस का सिंबल है पी। तो बेटे 6 बायो एलिमेंट्स ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये बेटे 99% बनाते हैं टोटल मैस का। अब जो अदर 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है बेटे, जो 1% बनाते हैं, उसमें क्या क्या है? पोटाशियम है, इसका सिंबल है के, देन सल्फर है, इसका सिंबल है एस, क्लोरीन है सी एल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम है एन ए से हम उसको करते हैं रिप्रेजेंट, मैग्नीशियम है एम जी से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, देन आयरन है हम उसको एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर है सी यू से करते हैं, मैगनीज है एम एन से उसको करते हैं, जिंक जेड एन हम इसको कहते हैं, एंड आयोडीन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है आई। ठीक है बेटे, जो रिमेनिंग आपके 10 एलिमेंट्स आते हैं वो हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ठीक है बेटे, आपने इन एलिमेंट्स के नेम्स भी अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं नेचर में, दे आर 92, उसमें से बायो एलिमेंट्स कितने हैं, वो हैं बेटे टोटल 16, और 16 बायो एलिमेंट्स के आपको नेम भी आने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 6 एलिमेंट्स कौन से हैं जो 99% मैस बनाते हैं, और जो रिमेनिंग हैं 10 उनके नेम्स क्या हैं। ठीक है बेटे, आप फिगर 1.2 भी ऑब्जर्व कर सकते हो, उसमें परसेंटेज कंपोजिशन बताई हुई है। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन बताई हुई है बाय मैस ऑफ बायो एलिमेंट्स इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें क्या परसेंटेज कंपोजिशन आती है। ठीक है बेटे, प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं? जो इनर लिविंग मैटर आता है ना सेल का बेटे सारा। ठीक है, मींस आप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को निकाल के आपका जितना भी सेल का हमारा इनर लिविंग मैटर होता है डेट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो अब बेटे उसमें डिफरेंट जो आपकी परसेंटेजेस दी हुई हैं हम उसको देखते हैं। इसमें आपके जो टोटल बायो एलिमेंट्स है ना उसकी परसेंटेज बताई हुई है, इसमें आप पिंक से कलर में देख सकते हो उसको, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज बताई हुई है जो सबसे ज़्यादा है, 65% एज जो है वो ऑक्सीजन की होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, उसके बाद फिर कार्बन की परसेंट एज है डेट इज़ 18%, देन बेटे फिर हाइड्रोजन की परसेंटेज आती है 10%, उसके बाद बेटे नाइट्रोजन की परसेंट एज है 3, कैल्शियम की परसेंट एज है 2, फास्फोरस की परसेंटेज आती है 1%, और जो अदर्स लिखा हुआ ना बेटे वो आपके जो रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स आते हैं ना वो आपके 1% हैं। तो आपको बेटे इनके नेम्स प्लस इनकी परसेंटेज, ठीक है, वो आपने लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद आप एक बॉक्स देख रहे हो बेटे रिकॉलिंग के नेम से लिखा हुआ है, इसमें क्या बताया हुआ है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड
इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एटम. ये मैंने आपको अभी जब ये स्टार्ट किया था टॉपिक तब भी बताया था कि प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, वाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन शेल्स, और उसके इर्द गिर्द डिफरेंट शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल डिटरमिन्स द मैनर इन विच एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर. अब जो शेल्स होंगे ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एटम का बिहेवियर स्टडी करने में हमें हेल्पफुल करता है कि उसमें वन इलेक्ट्रॉन है, टू है, थ्री है, यानी हम उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर से उस एटम का जो बिहेवियर है वो हम स्टडी कर सकते हैं. तो बेटे आपने आज के लेक्चर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट लेवल एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस सब को आपने लर्न करना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपने वैसे भी इस सारे टॉपिक को आपने लर्न करना है, ठीक है. और इससे रिलेटेड आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी आपने बेटे सॉल्व करना है. तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म होगा. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.